الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بھائی اور بہنیں, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, उसका करम है, उसका फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हम सब को दीन के निस्बत पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला को दीन के निस्बत पर जमा होना बहुत पसंद है। जब अल्लाह के बंदे और अल्लाह की बंदियां दीन के निस्बत पर जमा होती है तो अल्लाह ताला इन जमा होने वाले बंदों के और बंदियों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। आज हम मोहल्ले में जमा होते हैं, किसी के घर पे शादी ब्याह के मौके पर और किसी मौत मैयत के मौके पर, लेकिन जो बंदे और जो बंदियां दीन के निस्बत पर जमा होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की बातों को सुनने के लिए जमा होते हैं, कुरान और हदीस की बातों को सुनने के लिए जमा होते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें बार बार इस तरह दीन की निस्बत पर, कुरान और हदीस की निस्बत पर इस तरह बार बार जुड़ने की और जमा होने के अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला ने हम सब को बहुत सारी नियामतें अता फरमाई है। अल्लाह ताला ने नियामतें इतनी दी है कि हम इन नियामतों को गिन नहीं सकते, हम इन नियामतों को शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की बेशुमार नियामतें हमारे पास है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं कि मेरे बंदो, अपने जिस्म को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने बॉडी को देखो, अल्लाह की तुम्हें नियामतें नज़र आएगी। मिसाल के तौर पे दो आंखें अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये सांस का आना और सांस का निकलना और जाना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, लुकमे का अंदर उतरना ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, और दो हाथों का सही सालिम होना, दो पैर का सही सालिम होना, सही दिखाई देना, सही सुनना, सही बोलना, ये अल्लाह की कितनी बड़ी नियामतें हैं। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह की नियामतों को गिनना चाहो, अल्लाह की नियामतों को शुमार करना चाहो तो तुम अल्लाह की नियामतों को नहीं गिन सकते। अल्लाह की बेशुमार नियामतें हैं। लेकिन मेरी बहनों, अल्लाह की सबसे बड़ी नियामत यह है कि अल्लाह पाक ने हम सबको मुसलमान बनाया, अल्लाह पाक ने हम सब को ईमान वाला बनाया, अल्लाह पाक ने हम सब को कलमा नसीब फरमाया। जब हम दुनिया के अंदर पैदा हुए थे तो हमारे साथ इस दुनिया में हजारों बच्चे पैदा हुए, कोई बच्चा किसी और धर्म में पैदा हुआ, कोई बच्चा किसी और घर में पैदा हुआ, हम वो खुशकिस्मत थे कि हम मुसलमान के घर में पैदा हुए। जिस घर में हमने आँख खोली है, हमारी अम्मी मुसलमान थी, हमारे अब्बू मुसलमान थे, हमारे भाई बहन मुसलमान थे, हमारे एक कान में अजान दी गई, हमारे दूसरे कान में तकबीर कही गई, पैदा होते ही हमारे कान में अल्लाह का नाम पढ़ा गया, अल्लाह की सदा हमारे कान में बुलंद की गई कि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ये पैदाइश के दिन का सबक हमें मौत तक याद रखना है कि दुनिया के अंदर रहकर चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, चाहे बीच की जिंदगी हो, बचपन से लेकर कब्र तक की जिंदगी में हमें अल्लाह की बड़ाई को सामने रखना है कि हमारा कोई रब है, हमारा कोई खालिक है, हमारा कोई मालिक है, हमारा कोई राजिक है जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें पैदा किया, दुनिया के अंदर भेजा है। मेरी माए बहनों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और जब बच्चा माँ के पेट में बनता है तो माँ को नहीं पता कि बच्चे के हाथ कैसे बनते हैं, बच्चे के पैर कैसे बनते हैं, बच्चे का नक्शो निगार कैसे बनता है। अल्लाह ताला अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से माँ के पेट में तीन तीन अंधेरों के अंदर बच्चे की परवरिश करता है, बच्चे के हाथ बनाता है, बच्चे के पैर बनाता है, उसके जिस्म के हर उज्व को अल्लाह बनाता है। इस अल्लाह को हमें पहचानना है,
हमारा रब कैसा है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सब कुछ दिया है, जिसने हमें बच्चे दिए, जिसने रहने के लिए मकान दिया, जिसने तिजारत के लिए दुकान दी, जिसने खेती बाड़ी दी, जिसने कारोबार दिया, जिसने हमें माँ बाप दिए, जिसने हमें औलाद दी, जिसने हमें शोहर दिया, जिसने हमें भाई बहन दिए। मेरी माए बहनें अल्लाह की बड़ी बड़ी नियामत है। उन लोगों से जाके पूछो जिनकी अम्मी दुनिया के अंदर नहीं है, उन बहनों से जाके पूछो जिनके अब्बा दुनिया के अंदर नहीं है, जो यतीम की हालत में जिंदगी गुजार रही है, जो बेवा बेवगी की हालत में जो औरतें जिंदगी गुजार रही है, उनसे जाके पूछो कि शोहर की क्या कीमत है, उनसे जाके पूछो कि माँ बाप की क्या कीमत है, माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है। उन बहनों से जाके पूछो जिनके घर में औलाद नहीं है कि औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी नियामत है, ये अल्लाह की बेशुमार नियामत है। औलाद का होना अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, माँ बाप का होना अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, शोहर का होना अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, भाई बहन का होना अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है। मेरी बहनों, हमें इन नियामतों की कदर करना है। जिनके माँ बाप जिंदा है, हम माँ बाप की कदर करें। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, अगर तुम मेरी नियामतों में शुक्रगुजारी करोगे, मैं तुम्हारी नियामतों को बढ़ाऊंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नियामतों को बढ़ाऊंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे, मेरी नियामतों की नाशुक्री करोगे, अल्लाह फरमाते हैं मेरी पकड़ बड़ी सख्त है। तो इन तमाम दुनियावी नियामतों में सबसे बड़ी नियामत ईमान है, इस्लाम है, ईमान का कलमा है, इस्लाम का कलमा है, जो मेरी बहनों अल्लाह पाक ने हम सबको दिया है। ईमान का कलमा क्या है, हम सब पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ईमान का कलमा है, ये ईमान का कलमा है, ये इस्लाम का कलमा है। ये कलमा हम जबान से पढ़ते हैं, इस कलमे की हकीकत हमारे दिल के अंदर आ जावे, इस कलमे की सच्चाई हमारे दिल में आ जावे। जब कलमे की हकीकत दिल में उतरती है मेरी बहनों, तो हमारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरती है, हमारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजरती है, जब ईमान की हकीकत दिल में उतरती है। और अगर कलमा दिल में नहीं उतरता, सिर्फ कलमा जुबान पर है, तो मेरी बहनों, हमारा देखना गलत, हमारा सुनना गलत, हमारा बोलना गलत, झूठ हमारी जुबान पे है, गिबत हमारी जुबान पे है, हमारी आंखों में शर्मो हया नहीं है, हमारे सर पर दुपट्टा नहीं है, हमारी जिंदगी में अल्लाह के अहकाम नहीं है, हमारी जिंदगी में अल्लाह के प्यारे नबी की प्यारी प्यारी सुन्नतें नहीं है, तो समझो कि कलमे की हकीकत हमारे दिल में नहीं उतरी है। मेरी बहनों, ये कलमा तो हम सब ने पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। दुनिया में सब कुछ करने वाली जात सिर्फ एक अल्लाह की है। ये हम सब का अंदर से यकीन बन जावे, हमारा दिल अंदर से बोलता हो कि करने वाली जात अल्लाह की है, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह है, मौत हयात का मालिक अल्लाह है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, बीमारी देने वाली जात अल्लाह की है, औलाद का देना अल्लाह के हाथ में है, औलाद का न देना अल्लाह के हाथ में है, बीमारी का देना अल्लाह के हाथ में है, सेहत और तंदुरुस्ती का देना अल्लाह के हाथ में है, बारिश का बरसाना अल्लाह के हाथ में है, बारिश का न होना अल्लाह के हाथ में है। दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ही के करने से होता है। हत्ता के दरख्त का एक पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता, आसमान से बारिश का एक कतरा अल्लाह के हुक्म के बगैर गिर नहीं सकता। ये हमारा अंदर का यकीन बन जावे कि सब कुछ करने वाली जात एक अल्लाह की है, हमारा अल्लाह है, हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, जिसने हमें पैदा किया। उस अल्लाह को मेरी बहनों हमें पहचानना है। दुनिया में हमारा पैदा किए जाने का मकसद अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह को पहचाने, हमारा रब कौन है, हमारा परवरदिगार कौन है, हमारा खालिक कौन है, हमारा मालिक कौन है। मेरी बहनों, जब अल्लाह की मारिफत हो जाती है ना, तो मारिफत के बाद अल्लाह से मोहब्बत भी होती है। पहले मारिफत है, बाद में मोहब्बत है। इसीलिए अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्नातों को और इंसानों को सिर्फ मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। इंसान की पैदाइश का मकसद अल्लाह की बंदगी है,
दुनिया में आने के बाद हम अल्लाह को पहचान कर जिंदगी गुजारे, अल्लाह मेरा रब है, मेरा खालिक है, मेरा मालिक है, जो मुझे खिलाता है। जब मैं माँ के पेट में था अल्लाह मुझे पाल रहा था, जब मैं माँ के पेट में थी अल्लाह मुझे खिला रहा था, जब मैं दुनिया के पेट में आया अल्लाह मुझे खिला रहा है, अल्लाह मुझे पाल रहा है। अल्लाह किसी सबब का मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, और अल्लाह का गैर अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मेरी बहनों, ये यकीन हम सब का बन जावे, ये कलमा जब दिल में उतरेगा ना तो हमारा ये यकीन बनेगा, हमारा अंदर का ये यकीन बनेगा, हमारा दिल अंदर से ये बोलेगा कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। हमारा अल्लाह कैसा है, हम कुरान से पूछते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में अपना तारुफ बताया। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह अपने प्यारे नबी से फरमाते हैं, मेरे प्यारे पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों से कह दीजिए अल्लाह अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अकेला है, उसका ना कोई शरीक नहीं, उसका कोई वजीर नहीं, उसका कोई दोस्त नहीं, उसका कोई साथी नहीं, उसके कोई माँ बाप नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह का कोई दोस्त नहीं, अल्लाह का कोई पार्टनर नहीं, अल्लाह का कोई साथी नहीं, अल्लाह का कोई रिश्तेदार नहीं, अल्लाह ताला अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह अकेला है। अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। हम सब अल्लाह के मोहताज है, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह हम सबको खिलाता है, अल्लाह हम सबको पहनाता है, अल्लाह हमें सब कुछ देता है, अल्लाह के खजाने बेशुमार है, अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, अंदर का यकीन होना चाहिए कि अल्लाह किसी चीज का मोहताज नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह किसी से पैदा नहीं हुआ, अल्लाह से कोई पैदा नहीं हुआ, अल्लाह ताला का कोई पार्टनर नहीं, उसका कोई साथी नहीं। सारी दुनिया का निजाम चलाने में अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी दुनिया का निजाम चलाने में अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है। अल्लाह अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से दुनिया के हर चीज का निजाम चला रहे हैं। बारिश का होना, मौसम का बदलना, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी बारिश का मौसम, रात का आना, दिन का जाना, सूरज का निकलना, चांद का निकलना, रात को सितारों का चमकना, मेरी बहनों जिंदे से मुर्दा, मुर्दे से जिंदा निकलना, ये सारी चीजें अल्लाह ताला अपनी कुदरत से कर रहे हैं। अल्लाह किसी के मोहताज नहीं है। यकीन हमारा बन जावे कि सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह के बगैर कुछ नहीं होता। बीमारी आ गई अल्लाह की तरफ से, हमें ना समझे कि अगर मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया उसकी किस्मत खराब थी, नहीं, ये उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, ये तकदीर पर हमारा ईमान है। मेरा बच्चा बीमार हो गया ये अल्लाह की तरफ से है, मेरे माँ बाप बीमार हो गए ये अल्लाह की तरफ से है, मेरे घर में हालात आ गए ये अल्लाह की तरफ से है। हम उसमें किसी और का दखल ना समझे, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। अच्छाई हो तो भी अल्लाह की तरफ से, और बुरा हो तो भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह तकदीर का मालिक है, हम सब की किस्मत अल्लाह ने लिख दी है। इसीलिए ईमान मुफस्सिल बच्चों को याद कराया जाता है मकतब में, उसमें क्या है, आमंतु बिल्लाही व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअसि बादल मौत। इन सात चीजों पर हर एक को ईमान लाना जरूरी है। अल्लाह की जात पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके रसूलों और नबियों पर ईमान, और कयामत के दिन पर ईमान, और अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान कि दुनिया में जो कुछ भी होता है अल्लाह ही के करने से होता है, इसमें मेरा खुद का जाती को दखल नहीं है। बीमारी भी अल्लाह की तरफ से, सेहत भी अल्लाह की तरफ से, ऐसा नहीं कि हम डॉक्टर के पास गए पेट में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा कि बहन कि रात को क्या खाया था, हमने कहा आलू की सब्जी खाई या बैगन की सब्जी खाई, हमारे पेट में गैस बन गई, हमारे पेट में दर्द हो गया। मेरी बहनों अगर हमने ये कहा तो हम अल्लाह की तौहीद में कच्चे हैं। बैगन से कुछ नहीं होता, आलू खाने से कुछ नहीं होता, किसी सब्जी से कुछ नहीं होता, अल्लाह चाहता है
तो शिफा मिल जाती है, अल्लाह चाहता है तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसान देने वाली बन जाती है। गोली खा रहे हम, दवाई खा रहे हैं, उस दवाई में कोई शिफा नहीं है, अल्लाह जब शिफा डालता है वो दवाई हमारे पेट में जाकर शिफा बनती है, अगर अल्लाह दवाई न डाले तो वो दवाई पेट में जाकर उल्टा रिएक्शन कर देती है। तो मेरी बहनों, हम अपने अंदर के यकीन को सही करें कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। खेती बाड़ी है, आप सब खेती बाड़ी वाले हो, काश्तक खेत में जो है फसल बोई हुई है, बाजों ने फसल बोई, अब बारिश नहीं हुई तो फसल सूख गई, या बारिश ज़्यादा हो गई तो फसल बेकार हो गई, तो हम क्या समझते हैं कि बारिश की वजह से ऐसा हो गया, या हमारी किस्मत खराब थी, या हमारा लक अच्छा नहीं है, हमारी तकदीर अच्छी नहीं है? नहीं, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह चाहे तो खेत में से गल्ला निकाल दे, और अल्लाह न चाहे तो खेत में से गल्ला न निकाले। ये अल्लाह की तरफ से है। मेरे बहनों, ये सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। हमें उस अल्लाह की ज़ात पर ईमान लाना है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। नफ़ा नुकसान का मालिक अल्लाह है, मौत और हयात का मालिक अल्लाह है। ये इस कलमे का जो पहला जुमला है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब यही है कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल में आ जावे, अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल में आ जावे, जब अल्लाह की मारिफत आएगी, जब हम अपने रब को पहचानेंगे, अपने अल्लाह को पहचानेंगे, तो मेरी बहनों, हमें अल्लाह से मोहब्बत भी होगी, और जब अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी तो अल्लाह के हर हुक्म को मानना आसान होगा, अल्लाह के हर हुक्म को पूरा करना आसान होगा कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। आज औलाद को माँ बाप से मोहब्बत होती है तो माँ बाप औलाद की हर बात को मानते हैं, माँ बाप को औलाद से मोहब्बत होती है, औलाद माँ बाप की हर बात को मानती है। इसी तरह मेरी बहनों, जब हमें अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाएगी, तो मेरी बहनों, हमें हमारे नबी की हर सुन्नत पसंद आएगी, हमारे नबी का हर तरीका हमें अच्छा लगेगा, हमें हमारे नबी की हर अदा अच्छी लगेगी कि नबी की मोहब्बत हमारे दिल में है। इसलिए मेरी बहनों, अल्लाह की मारिफत, हम अल्लाह को पहचाने कि हमारा रब कौन है, हमारा रब कैसा है, अल्लाह को पहचाने, जब अल्लाह की पहचान हो जाएगी तो अल्लाह की मोहब्बत आएगी, जब अल्लाह की मोहब्बत आएगी तो हमें अल्लाह के हर हुक्म को मानना आसान हो जाएगा। हम अल्लाह की बंदियां है, अल्लाह ने हमें दुनिया के अंदर भेजा है, हमें मर के जाना है। मेरी बहनों, दुनिया में हमेशा रहने के लिए कोई नहीं आया, दुनिया एक दिन छोड़ के जाना है। कब्रिस्तान में देखो कितनी औरतें पहुंच गई, कितनी औरतें कब्रों में सो रही है, एक दिन हमारा भी आएगा, हमें दुनिया को छोड़ के जाना है। इस दुनिया में हमेशा रहने के वास्ते कोई नहीं आया, ये दुनिया टेम्पररी है, दुनिया एक आरजी घर है। 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल ये जिंदगी गुजार के मेरी बहनों, हमें कब्र के अंधेरी कोठरी में जाना है। इस बात पर हमारा ईमान है, हमारा यकीन है कि मरना है, और मौत से कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। अच्छे अच्छे पहलवानों को मौत आई है, अच्छे अच्छे ताकतवरों को मौत ने अपना लुकमा बनाया है, मौत ने किसी को नहीं छोड़ा, मौत हर एक को आएगी, हर एक का एक वक्त लिखा हुआ है, जब वो वक्त आ गया तो एक सेकंड मौत न आगे जा सकती है, न एक सेकंड मौत पीछे हो सकती है। इसका जो वक्त लिखा हुआ है मेरी बहनों, उस वक्त पर हर एक को मरना है। अब हमें सोचना यह है कि हम दुनिया के अंदर रहते हैं बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, अपने शोहर के साथ, भाई बहनों के साथ रहते हैं, सास ससुर के साथ रहते हैं। अब देखना है हम इस जिंदगी में रहकर अल्लाह को राजी करते हैं या अल्लाह को नाराज करते हैं, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, यह हमें देखना है। अगर दुनिया के अंदर रहकर, इन सारे झमेलों में रहकर, इन सारी मशगूलियात में रहकर, मेरी बहनों, अगर हमने अल्लाह को पहचाना है, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में उतरी है, तो मेरे बहनों, हम अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे। और अगर हमने सिर्फ दुनिया को सब कुछ समझा है, दुनिया की मोहब्बत दिल में है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की चाहत दिल में है, अच्छा जेवर पहनने की चाहत दिल में है, अच्छे से अच्छा खाने की चाहत दिल में है, अच्छे से अच्छा बड़ा से बड़ा मकान हो जावे, इसकी मोहब्बत दिल में है, तो मेरी बहनों, जब दुनिया की मोहब्बत दिल में आएगी तो अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। दुनिया तो फानी है,
दुनिया वक्ती है, दुनिया छोड़ के जाना है। चाहे कोई अच्छे महल में रहता हो, उसको एक दिन महल छोड़ के जाना है। कोई रोजाना अच्छे अच्छे 10 तरह के पकवान खाता हो, उसको एक दिन सब कुछ छोड़ के अंधेरी कब्र की कोठड़ी में मिट्टी में जाकर सोना है, यही उसका असल घर है। अगर अल्लाह मुझसे राजी है, दुनिया मेरी कामयाब है, कब्र मेरी कामयाब है, हशर आखिरत मेरी कामयाब है। और अगर दुनिया में रहते हुए मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, मैंने अल्लाह को नाराज किया है, अल्लाह के हुक्मों पर नहीं चली, मेरा देखना गलत, मेरा सुनना गलत, मेरा बोलना गलत, मैंने शोहर की नाफरमानी की है, मैंने माँ बाप का दिल दुखाया है, मैंने सास ससुर को नाराज किया है, मैंने बच्चों की सही तरबियत नहीं की और सिर्फ दुनिया की मोहब्बत लेकर घूम रही हूँ, तो मेरी बहनों दुनिया तो गुजर जाएगी लेकिन जब मौत का वक्त आएगा तो पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। कब्र में ये बंदी पछताएगी कि हाँ ये मुझसे क्या हो गया, मैंने दुनिया नाफरमानी में गुजार दी, मैंने दुनिया अल्लाह को नाराज करते हुए गुजार दी, पछताना पड़ेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे नबी ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दान नफ्सहु व अमिल लिमा बादल मौत। समझदार, होशियार, चालाक मर्द और औरत वो है जो दुनिया में रहते हुए अपनी आखिरत की तैयारी करे, अपनी आखिरत की तैयारी करे, मुझे मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को जाके मुंह दिखाना है। जब ये फिक्र हमारे सामने रहेगी तो हम अल्लाह के किसी हुक्म को नहीं तोड़ेंगे। अगर नबी की कोई सुन्नत छूट रही होगी मेरी बहनों, हम परेशान हो जाएंगे, हमारी पेशानी पर बल आ जाएगा, हाँ ये क्या हो गया, मेरे नबी की सुन्नत छूट गई, मेरे अल्लाह का हुक्म मुझसे टूट गया, मेरे अल्लाह का हुक्म मुझसे छूट गया। आदमी और मर्द और औरत परेशान हो जाएगी कि हाँ मुझसे क्या हो गया। लेकिन ये जब होगा, जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में होगी और मौत का यकीन जब होगा और अपनी आखिरत जब सामने होगी और कब्र जब अपने सामने होगी कि मुझे मरना है, कब्र में जाना है, वहां कोई किसी को याद नहीं करेगा, वहां मैं होंगी, मेरे आमाल होंगे। दुनिया में जैसा किया होगा मेरी बहनों, कब्र में हमारे सामने आएगा। दुनिया में जैसा किया होगा आखिरत में हमारे सामने आएगा। आखिरत में और कब्र में न औलाद किसी के काम आएगी, न बच्चे किसी के काम आएंगे, न माँ बाप किसी के काम आएंगे, न शोहर किसी का काम आएगा, न भाई बहन किसी के काम आएंगे, न रुपया पैसा किसी के काम आएगा, न दौलत किसी के काम आएगी। वहाँ काम क्या आएगा, वहाँ तो अच्छे आमाल काम आएंगे। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना काम आएगा, अल्लाह को राजी किया है तो वो काम आएगा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारी है तो वो वहाँ काम आएगा। इसलिए मेरी बहनों, कलमे का पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई मालिक नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई राजिक नहीं है। मेरा सर अल्लाह के सामने झुकेगा, मेरे हाथ अल्लाह के सामने उठेंगे, मैं सजदा सिर्फ अल्लाह के सामने करूंगी, मैं झोली अल्लाह के सामने फैलाऊंगी, मेरी दुआएं अल्लाह से होगी, नजरो नियाज अल्लाह के नाम पर होगा और किसी के नाम पर नहीं होगा। यह है कलमे का मतलब कि सब कुछ देने वाली जात अल्लाह की है, मुझे औलाद नहीं हो रही, मैं अल्लाह से मांगूंगी। किसी मजार पे जाकर, किसी बाबा के पास जाकर औलाद का देना उनके हाथ में नहीं है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह की जात वो है जो किसी को लड़कों पर लड़के दे, एक लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा, चौथा, पांचवा, घर में 5 लड़के हो गए, लड़की एक भी नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, मैं वो हूं किसी को लड़कियां ही लड़कियां दूं, एक लड़की, दूसरी लड़की, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, लड़कियां ही लड़कियां है, लड़का एक भी नहीं है। ये देने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह आगे फरमाते हैं, मैं वो हूं किसी को लड़के लड़कियां दोनों दूं, दो लड़के, दो लड़कियां, तीन लड़के, दो लड़कियां। अल्लाह फरमाते हैं, मैं वो हूं किसी को कुछ भी ना दूं, शादी करे 10 साल हो गए, शादी करे 15 साल हो गए, शादी करे 20 साल हो गए, मेरी गोद में कोई बच्चा नहीं है। मेरी बहनों, ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये हमारा अंदर का यकीन बन जावे, हमारा अंदर का यकीन बन जावे कि औलाद का होना अल्लाह की तरफ से है, औलाद का न होना ये भी अल्लाह की तरफ से है। औलाद का देना अल्लाह की कुदरत है और औलाद का न देना अल्लाह की हिकमत है। सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। तावीज गंडों पर हमारा यकीन न हो, बच्चा बीमार हो गया, मैं फौरन किसी मौलवी साहब के पास गई, तावीज बना कर दे दो। मेरी बच्ची बीमार हो गई, मैं फौरन किसी के पास गई, तावीज बना कर दे दो। मेरी बहनों, तावीज से कुछ नहीं होगा,
तावीज़ एक सबब है, एक जरिया है, शिफा देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है। मुझे क्या करना है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, मैं वुजू करके दो रकात पढ़ूँ, अल्लाह से मांगू कि अल्लाह मेरे बच्चे को बीमारी तूने दी है, शिफा तू ही देगा, अल्लाह से मांगू मैं। हम सहाबा किराम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं और सहाबा की औरतों की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो मेरे बहनों हमें यही मिलता है कि सहाबा ने और सहाबा की औरतों ने अपने ज़िंदगी के मसाइल को अल्लाह से हल करवाया है। बारिश नहीं हो रही, अल्लाह से मांगा है। औलाद नहीं हो रही, अल्लाह से मांगा है। बीमारी है, अल्लाह से मांगा है। घर में फकर व फाका है, अल्लाह से दुआएं मांगी है। हर अपनी ज़िंदगी का हर प्रॉब्लम, अपनी ज़िंदगी का हर मसला सहाबा ने और सहाबा की औरतों ने अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाकर और अल्लाह के सामने हाथ उठाकर अल्लाह से मांगा है और अल्लाह ताला ने सहाबा के हर मसले को हल किया है, उनकी हर ज़रूरत को अल्लाह ने पूरा किया है। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, मुझसे मांगो, तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। हमारा पहला काम ये होना चाहिए, घर में कोई भी हालत आ गए, कोई भी परेशानी आ गई, हम सीधा वुजू करके अल्लाह से मांगे, फिर हम असबाब को इख्तियार करें। असबाब को इख्तियार करने से कोई मना नहीं करता, लेकिन पहले हमारी नज़र अल्लाह की ज़ात पर होनी चाहिए, उसके बाद हम दुनियावी असबाब को इख्तियार करें, इससे कोई मना नहीं करता। लेकिन मेरी बहनों, आज मसला ये हो गया कि अब घर में कुछ भी हो गया, हम फौरन असबाब की तरफ ढूंढ जाते हैं, डॉक्टर के पास, किसी तावीज़ वाले के पास, किसी मौलाना के पास जाते हैं। नहीं, पहले हम अल्लाह से मांगे, उसके बाद हम जावे तो अल्लाह ताला शिफा देगा, अल्लाह बीमारी को दूर करेगा, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देगा, अल्लाह रोज़ी के मसाइल को हल करेगा, अल्लाह घर की परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह घरों में चैन, सुकून, बरकतें, इज्जत वाली ज़िंदगी और अल्लाह पाक आफियत वाली ज़िंदगी अता करेगा, जब हमारा अंदर का यकीन अल्लाह की ज़ात के साथ बना हुआ होगा। इसलिए मेरी बहनों, हमें अपनी मौत को सामने रखना है, अपनी आखिरत को सामने रखना है कि मुझे एक दिन दुनिया छोड़ के जाना है। पहले ज़माने में एक अल्लाह की नेक बंदी गुजरी है जिनका नाम है राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा। बहुत नेक, दिनदार, परहेजगार खातून गुजरी है। आज से तकरीबन 1200 साल पहले की बात है, 1200 साल पहले का वाकया है कि उस ज़माने में राबिया बसरिया नाम की एक नेक खातून गुजरी है जिनकी ज़ुबान पर सच था, जिनकी आँखों में शर्म व हया थी, जिनकी ज़ुबान पे कभी झूठ नहीं था, जिसने अपने कान से कभी किसी की चुगली नहीं सुनी, अपने कान से किसी की बुराई नहीं सुनी, अपने कानों से किसी की गिबत नहीं सुनी, कभी बेपर्दा घर से बाहर नहीं निकली, कभी बगैर पर्दे के घर से बाहर नहीं आई, हमेशा पर्दे के साथ, हिजाब के साथ, बुरके के साथ और अपने शोहर की फरमाबरदारी के साथ अल्लाह की नेक बंदी बनकर ज़िंदगी गुजारी है। उनके बारे में लिखा है, राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा अपने ज़माने की नेक औरत थी। जब उनकी शादी हुई तो जब रात का वक्त होता था तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा अच्छी तरह गुसल करती थी, नहाती थी, उसके बाद अच्छे कपड़े पहनती थी, खुशबू लगाती थी, फिर अपने शोहर के पास आती और शोहर से कहती थी, मेरे सरताज, तुम्हें मुझसे कोई खिदमत लेनी है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है। अगर शोहर कहता ज़रूरत नहीं है तो राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा मुसल्ला बिछाकर मुसल्ले पर खड़ी हो जाती और पूरी रात अल्लाह के सामने नमाज पढ़ने में, अल्लाह के सामने रोने में, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने में, अल्लाह के सामने अपने मसाइल को हल करवाने में, अल्लाह के सामने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में पूरी रात मुसल्ले पर गुजार देती थी। और जब सुबह सादिक हो जाती, सुबह का चांदना हो जाता तो राबिया बसरिया अल्लाह के सामने हाथ उठाती थी और कहती थी कि या अल्लाह, ए मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मेरे खुदा, आप वो है कि आपने आसमान को ज़मीन पर गिरने से रोके रखा, मेरे अल्लाह, शैतान को और दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल में आने से रोके रखना, मेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत ना आवे, मेरे दिल में दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत ना आवे, ए अल्लाह, मेरे दिल में दुनियावी असबाब की मोहब्बत ना आवे, मेरे दिल में सिर्फ आपकी मोहब्बत हो। यह दुआ मांगती थी। ये राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा जवानी की हालत में बेवा हो गई, उनके शोहर का इंतकाल हो गया, जवानी है। राबिया बसरिया कौन थी? ये हबशा की रहने वाली, इतनी खूबसूरत नहीं थी, कबूल सूरत नहीं थी, हबशा की रहने वाली थी, लेकिन उनके चेहरे पर खुदा की तरफ से नूर था, नमाज का नूर था,
कुरान की तिलावत का नूर था, अल्लाह के जिक्र का नूर था, दुरूद शरीफ का नूर था, सच बोलने का नूर था, पर्दे में रहने का नूर था। उनका चेहरा काला था लेकिन नूरानी था, इबादत का नूर उनके चेहरे पर झलक रहा था। जब उनके शोहर का इंतकाल हो गया तो उस जमाने में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े अल्लाह के वली, जिनका नाम था हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाही अलैह। उन्होंने राबिया बसरिया रहमतुल्लाही अलैहा से शादी करने का पैगाम भेजा कि राबिया, तुम्हारे शोहर का इंतकाल हो गया है, तुम्हारी इद्दत पूरी हो गई है, मैं हसन तुमसे शादी करना चाहता हूं। मेरी बहनों ध्यान से सुनो, राबिया बसरिया रहमतुल्लाह ने जवाब लिखा, कहा कि हसन मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन पहले मेरे चार सवाल के जवाब दे दो, अगर आपने मेरे चार सवाल के सही सही जवाब दे दिए तो हसन मैं तुमसे शादी करूंगी। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े उस जमाने के बहुत बड़े आलिम थे, वली कामिल थे, अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा कि राबिया आप सवाल करो, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। एक कमरे में राबिया बैठी है, बीच में पर्दा लटका दिया, एक तरफ हसन है। राबिया ने पहला सवाल किया, हसन बसरी मुझसे शादी करना चाहते हो, मेरे पहले सवाल का जवाब दे दो, पूछो तुम्हारा पहला सवाल क्या है। राबिया ने पूछा, हसन मेरा पहला सवाल यह है, जब कल कयामत का दिन होगा, जब कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, हर इंसान परेशान होगा, पसीने में डूबा हुआ होगा, उस वक्त अल्लाह ताला बाज लोगों के बारे में जन्नत का फैसला करेंगे, अल्लाह ताला बाज लोगों के बारे में जहन्नम का फैसला करेंगे। हसन बसरी बताओ, अल्लाह जब जहन्नम का जन्नत का फैसला करेंगे तो मेरा फैसला किन लोगों में होगा, जन्नत में जाने वालों में होगा या जहन्नम में जाने वालों में होगा। हसन बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि राबिया इसका जवाब मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ही जानता है। राबिया ने पूछा, हसन दूसरा सवाल, कल जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ताला अपने बंदों को और बंदियों को नामाए आमाल उनके हाथ में देंगे, किसी का नामाए आमाल उसके सीधे हाथ में, किसी का नामाए आमाल उसके बुरे हाथ में, उसके बाएं हाथ में। हसन बसरी बताओ, जब कल कयामत में नामाए आमाल हर एक को दिया जाएगा तो मेरा नामाए आमाल मेरे सीधे हाथ में मिलेगा या मेरे उल्टे हाथ में मिलेगा। हसन बसरी ने कहा, राबिया इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। राबिया ने कहा, हसन तीसरा सवाल, जब कल कयामत का दिन होगा, जहन्नम के ऊपर एक पुल सिरात बिछाई जाएगी, 1500 साल का रास्ता, तलवार से तेज, बाल से बारीक, उस रास्ते पे से हरेक को चलना होगा, उस पुल सिरात पे से हरेक को गुजरना होगा, जो नेक होगा, जो मुत्तकी होगा, जिसने दुनिया में अल्लाह को राजी किया होगा या जिसने अल्लाह को राजी करके जिंदगी गुजारी होगी, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वो पुल सिरात पे से गुजर कर जन्नत में चले जाएंगे, और जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो वहां से कटकर नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे। हसन बसरी बताओ, कल जब मैं पुल सिरात पे से गुजरूंगी तो मैं गुजर कर आसानी के साथ जन्नत में चली जाऊंगी या मैं कटकर जहन्नम में गिर जाऊंगी, मुझे इसका जवाब दो। हसन बसरी ने कहा, राबिया इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। राबिया ने पूछा, हसन चौथा सवाल, मेरा चौथा सवाल यह है, कल कयामत का दिन होगा, तराजू कायम की जाएगी, तराजू रखी जाएगी, एक तरफ नेकियों का पलड़ा होगा, दूसरी तरफ बुराइयों का पलड़ा, तराजू के एक पलड़े में नेकियां तोड़ी जाएगी, तराजू के दूसरे पलड़े में बुराइयां और गुनाह तोले जाएंगे। राबिया बसरिया फर कहा, हुसन जिसका नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा वो जन्नत में जाएगा और जिसका बुराइयों का पलड़ा झुक जाएगा वो जहन्नम में जाएगा। हसन बसरी बताओ, कल कयामत में जब मेरी नेकियां तोड़ी जाएगी तो मेरा नेकियों का पलड़ा झुकेगा या बुराइयों वाला पलड़ा झुकेगा। हसन बसरी ने कहा, राबिया मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। तो मेरी बहनों, राबिया ने क्या कहा, हसन जाओ अपना काम करो, मुझे तो इन चार सवालों की तैयारी करनी है। मेरी बहनों जरा सोचे, एक औरत है, एक खातून है, एक शादीशुदा औरत थी, जवानी की हालत में बेवा हो गई, लेकिन उनकी नजर कहाँ पे है, आखिरत पे है, उनकी नजर कहाँ पे है, कब्र पे है, उनकी नजर कहाँ पे है,
मरने के बाद की जिंदगी पर है कि मुझे मरना है। ये चार मरहले पेश आने वाले है कि बाजों का फैसला जन्नत में, बाजों का फैसला जहन्नम में होगा। पुल सिरात पे से हर एक के गुजरना होगा, नामा आमाल हर एक को दिया जाएगा और तराजू हर एक के लिए रखी जाएगी, हर एक के आमाल का वजन किया जाएगा। मेरी बहनों, राबिया बसरिया को अपनी आखिरत की कैसी फिक्र थी, उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, मना कर दिया, जाओ हसन अपना काम करो, मुझे तो इन चार सवाल के जवाब की तैयारी करनी है। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा का 40 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। 40 साल की उम्र में उनकी एक खादिमा थी, घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी। राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा ने अपनी मौत से पहले अपनी खादिमा से कहा, मेरी खादिमा, अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जावे, मेरा जनाजा रात को उठाना। ये वसीयत की, मेरा इंतकाल अगर दिन में हो जावे, मेरा जनाजा रात को उठाना। पूछा कि क्यों, तो सुनो मेरी बहनों, राबिया बसरिया ने क्या जवाब दिया। राबिया बसरिया ने कहा कि मेरी खादिमा, दुनिया में किसी पराए मर्द ने, किसी अजनबी मर्द ने मेरे चेहरे को नहीं देखा। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे कफन के ऊपर किसी पराए मर्द की नजर न पड़े। हाय हाय, अल्लाहु अकबर, कैसा पर्दा था। आज मेरी बहनों, हमारा क्या हाल है, हम बेपर्दा बाजारों में जाती है, हम बेपर्दा दुकानों में जाती है, हम सब्जी वाले से भाई की तरह बातें करती है, हम दूध वाले से भाई की तरह बात करती है। मेरी बहनों, ये हमारी शरीयत में जायज नहीं है, हमारी शरीयत में जायज नहीं है। बाहर निकलो, पर्दे के साथ जाओ, आपके चेहरे पर किसी की नजर न पड़े, आपके जिस्म पर किसी की निगाह न पड़े, आपकी आवाज कोई मर्द न सुने। ये शरीयत की तालीम है, इस्लाम हमें ये तालीम दे रहा है, हमारा अल्लाह हमें ये तालीम दे रहा है कि मेरी बहनों, तुम काबिल इज्जत हो, तुम घर में रहने के काबिल हो, तुम एक महफूज खजाने की तरह हो। जिस तरह कीमती चीज छुपाई जाती है, औरत एक कीमती चीज है, औरत घर में रहने की चीज है। बाहर निकलना है पर्दे के साथ, हिजाब के साथ, ऐसा बुरका पहनकर कि हमारे बुरके पर किसी की नजर न पड़े। राबिया बसरिया ने क्या कहा, मेरी खादिमा, अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जावे, मेरा जनाजा रात में उठाना, ताकि मेरे कफन पर किसी पराए मर्द की निगाह न पड़े। और दूसरी बात क्या की, दूसरी बात यह की कि अपनी खादिमा से क्या कहा कि मैं जिस गुदड़ी पर नमाज पढ़ती हूं, मैं जिस मुसल्ले पर नमाज पढ़ती हूं, दुआएं मांगती हूं। अपनी खादिमा से कहा कि मेरी खादिमा, मेरी ये गुदड़ी, मेरा ये मुसल्ला, मेरे मरने के बाद इस गुदड़ी को मेरे कफन के अंदर रख देना। कफन के अंदर लिखा है उलमा ने कि जब राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह का जब इंतकाल हो गया, उनका जनाजा रात में उठा है और उनकी वसीयत के मुताबिक उनकी उस नमाज वाली गुदड़ी को कफन के अंदर रख दिया। जब उनको कब्र में दफन किया गया, कुछ दिनों के बाद इस खादिमा ने राबिया बसरिया को ख्वाब में देखा। तो ख्वाब में क्या देखा, एक बहुत बड़ा तख्त है जिसके ऊपर एक औरत है, रेशम का लाल रंग का लिबास पहना हुआ है, उनका चेहरा चांद की तरह चमक रहा है और वो औरत उस तख्त पर बैठी हुई है। वो खादिमा कहती है, जब मैंने ख्वाब देखा तो मैंने नजदीक से देखा तो वो औरत कौन थी, वो मेरी आकानी, मेरी सेठानी राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा थी। मैंने कहा, राबिया, अल्लाह ने तुमको इतना ऊंचा मकाम कैसे दिया कि तुम्हारे जिस्म पर रेशम का लाल कलर का लिबास है, तुम्हारा चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमक रहा है और तुम हंस रही हो, खुश खुर्रम हो। राबिया, तुम्हें अल्लाह ने मकाम कैसे दिया। तो मेरी बहनों, राबिया ने क्या जवाब दिया, राबिया ने कहा कि मैंने दुनिया में अल्लाह को नाराज नहीं किया था, मैंने दुनिया में अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया था, मैंने दुनिया में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, मैंने अपनी आंखों की हिफाजत की थी, अपने शरीर की हिफाजत की थी, अपनी जबान की हिफाजत की थी, अपने कानों की हिफाजत की थी। अल्लाह पाक मुझसे राजी हो गए, अल्लाह ताला ने खुश होकर मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। इसलिए मेरी बहनों, जब हमारे सामने आखिरत रहेगी, जब हमारे सामने कब्र रहेगी, तो मेरी बहनों, हमें अल्लाह का खौफ रहेगा, तकवा जिंदगियों में आएगा, परहेजगारी जिंदगियों में आएगी, तो हमारे लिए अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना आसान बनेगा। इसलिए मेरी बहनों, कलमे का जो पहला हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह,
कि सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह की है, हर वक्त हमारी निगाह अल्लाह की ज़ात के ऊपर हो। हमारे घरों में ईमान के मुजाकरे हो, बीवी शोहर के सामने, औलाद माँ बाप के सामने, माँ बाप औलाद के सामने, बहन भाई के सामने ईमान के मुजाकरे करे, एक सहेली के सामने, एक दोस्त दूसरी दोस्त के सामने जब आपस में मुलाकात हो तो ईमान के मुजाकरे हो। मेरी बहन तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मेरी बहन तुमने आज कुरान पाक की तिलावत की कि नहीं की, मेरी बहन तुमने आज तस्बीह पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आज तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया। जब ये आपस में मुजाकरे होंगे मेरी बहनों घरों के अंदर, तो हमारी जिंदगियों में ईमान आएगा, हमारे दिल में ईमान उतरेगा और हमारे दिल में हमारी जिंदगियों में एक नूरानी माहौल बनेगा और हमारे घरों में एक फरिश्तों वाला माहौल बनेगा। अल्लाह की रहमतें घरों में आएगी, अल्लाह की बरकतें घरों में आएगी और बुरे असरात बीमारियां परेशानियां हमारे घरों से दूर हो जाएगी। इसलिए मेरी बहनों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने घरों में ईमान के मुजाकरे करो। ईमान के मुजाकरे कैसे करेंगे? हमारे घरों में किताब होनी चाहिए फजाइल आमाल किताब मंगाओ और दिन में 24 घंटे में से 10 मिनट निकालो, हम किताब खोल कर बैठ जावे, हमारा शोहर सामने बैठा हो, हमारे सास ससुर सामने बैठे हो, हमारे माँ बाप सामने बैठे हो, हमारी जवान औलाद सामने बैठी हो, हमारी बच्चियाँ सामने बैठी हो, 10 मिनट हम पढ़ के सुनावे। नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा? कुरान पढ़ने पर क्या मिलेगा? सच बोलने पर क्या मिलेगा? सहाबा ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, सहाबा की औरतों ने इस दीन की खातिर कैसी कैसी तकलीफें बर्दाश्त की है। मेरी बहनों, जब हम सुनेंगे हमारे अंदर एक शौक पैदा होगा, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होगा कि हम भी तो औरतें हैं, हम भी तो अल्लाह की बंदियां हैं, हम भी अल्लाह को राजी करेंगे, हम अल्लाह को नाराज नहीं करेंगे। घरों में एक नमाज का माहौल बनेगा, माँ नमाज पढ़ेगी, बच्ची नमाज पढ़ेगी, बाप नमाज पढ़ेगा, बेटा नमाज पढ़ेगा, बच्चियां नमाज पढ़ेगी, बहू नमाज पढ़ेगी। घर में जब सारे नमाजी बनेंगे मेरी बहनों, तो हमारे घरों में अल्लाह की रहमतें आएगी, अल्लाह रोजी में बरकत देगा। कमाने वाला एक होगा, खाने वाले 10 होंगे, घरों में झगड़े नहीं होंगे, घरों में फसाद नहीं होगा, घरों में अनबन नहीं होगी कि बहू सास से नहीं बोलती, सास की बहू से नहीं बनती, बेटा माँ से नहीं बोलता, माँ बेटी से नहीं बोलती। ये सारे झगड़े इस वजह से है कि हमने अल्लाह को नाराज किया है। मेरी बहनों, नमाज को कायम करो, घरों में नमाज जिंदा करो। जब अजान की आवाज हमारे कान में आ जावे, सबसे पहला काम मुझे नमाज पढ़ना है, सारे काम बाद में, कपड़े धो रही हो कपड़े धोना बाद में, खाना पका रही हो खाना पकाना बाद में, सारा काम बाद में, सबसे पहला काम मेरे अल्लाह का हुक्म है, मुझे नमाज पढ़ना है। नमाज के बाद सारे काम करो, वक्त पे नमाज पढ़ना मेरी बहनों, ये बहुत ऊंचा अमल है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के हबीब बताइए सबसे अफजल अमल क्या है, तो मेरे नबी ने फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, कि वक्त पर नमाज का पढ़ना सबसे अच्छा अमल है, सबसे ऊंचा अमल है। जोहर का वक्त हो गया, फौरन जोहर की नमाज पढ़ो, असर का वक्त हो गया, फौरन असर की नमाज पढ़ो, मगरिब का वक्त हो गया, फौरन मगरिब की नमाज पढ़ो, ईशा का वक्त हो गया, ईशा की नमाज पढ़ो, फजर का वक्त हो गया, मेरी बहनों सुबह जल्दी उठ जाओ। और खाली उठना नहीं है, हम खुद भी उठे, अपने घर के मर्दों को भी उठावे। मेरा बेटा 10 साल का है, उसको भी नमाज पढ़ाओ। हदीस पाक में क्या फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जावे, नमाज पढ़ने का हुक्म करो। 7 बरस की उम्र, बेटा नमाज पढ़ो, बेटी नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ो। नमाज इस तरह पढ़ते हैं, रुकू इस तरह करते हैं, सजदा इस तरह करते हैं, नियत ऐसे बांधते हैं। माँ जब बच्ची को सिखाएगी और जब माँ अपने बेटे को सिखाएगी, तो बेटा जल्दी सीख जाएगा। और मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारी औलाद 10 बरस की हो जावे, नमाज न पढ़ने पर मारा करो। जरा सोचिए, नमाज कैसी अहम इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जावे और नमाज नहीं पढ़ते, उन पर सख्ती करो। आज मेरी बहनों, हमारे घरों का क्या हाल है? 15 साल का बच्चा है, फजर का वक्त हो रहा है, पड़ा सो रहा है। 15 साल की जवान बच्ची है, घर में सो रही है। 12 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, हमारा शोहर घर में सो रहा है, हमारा बाप घर में सो रहा है। मेरी बहनों, हमें चैन कैसे आता है? हमारे अंदर जिंदगी में सुकून कैसे आ जाता है? नमाज छूट जावे हम परेशान हो जावे, हाय मेरी नमाज छूट गई, हाय मेरी एक वक्त की नमाज कजा हो गई,
हाय मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, हाय मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती, हाय मेरा ससुर नमाज नहीं पढ़ता, हाय मेरा शोहर नमाज नहीं पढ़ता। अल्लाह से मांगे, अल्लाह तो इनको भी नमाज पढ़ने वाला कर दे। मेरी बहनों, जब अल्लाह से मांगेंगे और हम बार बार नमाज का कहते रहेंगे तो एक वक्त आएगा हमारे घर में कोई बेनमाजी नहीं रहेगा। नमाज सबसे अहम इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसकी नमाज बन गई उसकी सारी जिंदगी बन गई, और जिसकी नमाज नहीं बनी उसकी जिंदगी नहीं बनी। एक हदीस में फरमाया कि सरासर जुल्म है, सरासर कुफ्र है, सरासर निफाक है उस बंदे का, उस बंदी का अमल कि अजान की आवाज को सुने और नमाज न पढ़े। मेरी बहनों, हम सोचे नमाज के साथ हमारा क्या मामला है। हम नमाज पढ़ती है तो कैसे पढ़ती है। मेरी बहनों, नमाज को सीखना है, बगैर सीखे नहीं। नमाज की नीयत कैसे बांधते हैं, नमाज में हाथ कैसे बांधेंगे, हमारे हाथ कहाँ रहेंगे। सना पढ़ना है, औजबिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ना है, सूरह फातिहा है, सूरते है, रुकू में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, रुकू की तस्बीह कैसे पढ़ेंगे, सजदे की तस्बीह कैसे पढ़ेंगे। रुकू में जाएंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम तीन बार पढ़ेंगे, रुकू से उठेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, सजदे में जाएंगे सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, साफ साफ तीन मर्तबा पढ़ेंगे। अल्लाह की तारीफ है। नमाजी अल्लाह से बातें करता है। नमाज पढ़ते हुए हमारा ध्यान क्या हो कि अल्लाह मुझसे बातें कर रहा है, मेरी बातों का अल्लाह जवाब दे रहा है। मेरी बहनों, जब नमाज हमारी बन जाएगी ना तो जिंदगी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सारे झगड़े दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां घर में से खत्म हो जाएगी, फिर किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, करके देखो आप, घर में जब एक भी बेनमाजी नहीं रहेगा तो आपको किसी मौली साहब के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तावीज दे दो हमें। हाँ, नमाज में अल्लाह ने हर मसले का हल रखा है। नमाज में हर बीमारी का इलाज है, नमाज में हर परेशानी का हल है, नमाज में हर चीज का सॉल्यूशन है। नमाज हमारी बन गई, मेरी बहनों, घर के सारे मसाइल दूर हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है, हम खुद भी नमाज पढ़े, अपनी औलाद को नमाज पढ़ावे। फजर का वक्त हो गया, औलाद को उठावे, जाओ नमाज पढ़ के आओ, नमाज मस्जिद में जाके पढ़ के आओ। मस्जिद का सवाब ज्यादा है मर्दों के लिए, घर का सवाब कम है। अपने मर्दों से कहे, जाओ नमाज मस्जिद में पढ़ के आओ, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। मेरी बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, अपने घर के मर्दों को और जवान बेटों को, बेटियों को नमाज पे लाओ। मेरी बहनों, ये आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, अल्लाह आपसे पूछेगा कयामत में। इसलिए आपकी जिम्मेदारी यह है, हम नमाज खुद भी पढ़े, अपनी औलाद को भी नमाज पे लावे। हम खुद भी कुरान पढ़े, अपनी औलाद से कहे कि रोजाना कुरान का एक पारा घर में पढ़ा करो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है मेरी बहनों, उस घर से शैतान निकल जाता है, और जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर में शैतान रहता है, उस घर में शैतान रहता है, बुरे असरात उस घर में होते हैं। इसलिए चाहते हैं हम हमारे घर से शैतान दूर हो जावे, हमारे घर से बुरे असरात दूर हो जावे। मेरी बहनों, सुबह शाम एक वक्त मुतय्यन करो, हम रोजाना घर में कुरान का एक पारा पढ़ेंगे। कितना टाइम लगता है, और कुरान पढ़ने वाला ऐसा है कि कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह बातें करता है। नमाजी अल्लाह से बातें करता है, और कुरान पढ़ने वाले से अल्लाह खुद बातें करता है। अल्लाह का पाक कलाम है, अल्लाह की पाक किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसमें शिफा ही शिफा है। इसलिए मेरी बहनों, नमाज का खास ख्याल रखो। अजान हो गई, सारे काम छोड़ दो, पहले नमाज, सारे काम बाद में। पहले नमाज, बाकी सारे काम बाद में। खाना बाद में, कपड़े धोना बाद में, घर का झाड़ू बाद में, घर की सफाई बाद में। अजान हो गई, मेरे अल्लाह का हुक्म है, मैं नमाज पढ़ूंगी। और नमाज मेरी बहनों सुकून के साथ पढ़ो, ऐसा नहीं कि फटाफट पढ़ लिया। नहीं, जोहर की 12 रकात है, सुकून के साथ पूरी 12 रकात पढ़ो। असर की 8 रकात पूरी पढ़ो, मगरिब की 7 रकात पूरी पढ़ो, इशा की 17 रकात पूरी पढ़ो, और अल्लाह ने की दे फजर की 4 रकात पूरी पढ़ो, और अगर अल्लाह पाक तौफीक दे तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो, इशराक की नमाज पढ़ो, चाश्त की नमाज पढ़ो। मेरे बहनों, यही काम आएगा मरने के बाद। मरने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है। जैसे अच्छे अमल करके जाएंगे, कब्र हमारी जन्नत का बाग बनेगा। हशर के मैदान में अल्लाह हमसे राजी होगा, जन्नत हमारा, जन्नत के लिए हमारा फैसला होगा, और हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से अल्लाह के नबी हमें जामे कौसर पिलाएंगे, कौसर का पानी पिलाएंगे, और अल्लाह के नबी हमें हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेंगे। मेरी बहनों, ये सारी चीज़ें जो है
अल्लाह को राजी करने पर है। अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जावे, नबी की मोहब्बत दिल में आ जावे, ये पहला जुमला है। और कलमे का दूसरा हिस्सा क्या है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब क्या है कि मेरे नबी के प्यारे प्यारे तरीकों में कामयाबी है। पानी कैसे पीऊंगी, मेरे नबी ने बताया पानी कैसे पीना है। खाना कैसे खाऊंगी, रात को बिस्तर पे कैसे सोऊंगी, टॉयलेट बाथरूम में कैसे जाऊंगी, वुजू कैसे करूंगी, घर से बाहर कैसे निकलोगी, घर में दाखिल कैसे होंगी, बाजार में कैसे जाना है, मेरे नबी ने हर तरीका बताया। मेरे नबी ने हर तरीका बताया। मेरी बहनों, पानी, हमें पानी पीना है। पानी की सुन्नत क्या है कि पानी की गिलास हाथ में ली, बैठ जाओ जमीन पे, बैठ के पानी पीना, मेरे नबी की सुन्नत है। पानी को देख लो, कोई जानवर तो नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है। सर पे दोपट्टा हो, मेरे नबी, नंगे सर पानी मत पियो, हमारे सर पे दोपट्टा हो, मेरे नबी की सुन्नत है। सर को ढक के पानी पीना, तीन सांस में पानी पीना, पानी का गिलास सीधे हाथ से पकड़ना, पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना और पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। हम एक गिलास पानी पिएंगे मेरी बहनों, अल्लाह हमें सात सुन्नतों को जिंदा करने का सवाब देगा। कितनी छोटी चीज है, हम रोजाना कितनी बार पानी पीते हैं लेकिन हमारा ख्याल इस तरफ नहीं जाता। मेरे नबी की सुन्नत है पानी बैठ के पीना, मेरा नबी राजी हो जाएगा, मेरे नबी मुझसे राजी हो जाएंगे, मैं नबी की सुन्नत पे अमल करूंगा, नबी कयामत में मेरी सिफारिश करेंगे। हाँ, कयामत में नबी मेरी सिफारिश करेंगे। हमें खाना खाना है, खाने से पहले हाथ धो लेना, दस्तरखान बिछा के खाना खाना। ये मेरी बहनों आज घरों में नहीं है, सबको मिलजुल कर एक दस्तरखान पर बैठ के खाना खाना। आज तो हाल ये है कि शोहर साहब ऊपर खाना खा रहे, सुसर उस कमरे में खाना खा रहे, सास उस कमरे में खाना खा रही, बेटा जो है पीछे खाना खा रहा है और माँ जो है किचन में खाना खा रही। नहीं मेरी बहनों, एक दस्तरखान पे बैठ के खाना खाना उसमें बरकत है। थोड़ा खाना ज्यादा लोगों को काफी हो जाएगा, उसमें बरकत है। बच्चों को साथ में लेकर बैठना, दस्तरखान बिछाकर खाना खाना, ये मेरी बहनों ये बच्चों को सिखाने की चीजें है। बच्चे की पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चा जैसा माँ बाप से सीखेगा, बच्चा बड़े होकर वही करेगा। ये मत सोचना कि मदरसे में मेरे बच्चे को कुछ सिखाया नहीं, ऐसा नहीं। मौल साहब तो सब कुछ सिखाते हैं लेकिन घर का माहौल इतना खराब है कि बच्चे जो कुछ सीखते हैं घर में इनका अमली प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, तो बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं। बच्चों को खाने की दुआ याद है, बच्चों को खाने के बाद की दुआ याद है, बच्चों को दस्तरखान उठाने की दुआ याद है, लेकिन माहौल ऐसा है घर में न माँ दुआ पढ़ती है, न बाप दुआ पढ़ता है, न भाई बहन दुआ पढ़ती है, तो बच्चे दुआ पढ़ना भूल जाते हैं। मेरे बहनों, ये आपकी जिम्मेदारी है, दस्तरखान बिछा के खाना, एक साथ बैठ के खाना, सीधे हाथ से खाना, तीन उंगली से खाना, खाने की दुआ पढ़ के खाना, ये सारी सुन्नतें हैं। एक एक सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह हमें अमल करने का सवाब देगा, मेरे नबी राजी होंगे। ये महीना कौन सा गुजर रहा है? ये महीना रबीउल अव्वल का महीना है। ये वो महीना है जिसमें हमारे नबी पैदा हुए हैं और ये वो महीना है जिसमें हमारे नबी दुनिया से पर्दा फरमा कर गए हैं। मेरी बहनों, ये रबीउल अव्वल का महीना हमें पैगाम दे रहा है, हमें मैसेज दे रहा है, हमें एक पैगाम दे रहा है। क्या दे रहा है? कि आखिरी नबी की आखिरी उम्मत, तुम नबी की सुन्नतों पर अमल करना, नबी की एक एक सुन्नत तुम्हारी जिंदगी में आनी चाहिए। ये नबी से मोहब्बत है, ये नबी से क्या है? मोहब्बत है। मेरा नबी खाना कैसे खाता था, मेरा नबी पानी कैसे पीता थे, मेरे नबी रात को बिस्तर पर कैसे सोते थे, मेरे नबी घर से बाहर कैसे निकलते थे, मेरे नबी गुसल कैसे करते थे, मेरे नबी सर में कंघा कैसे करते थे। मेरे बहनों, ये सारी किताबें लिखी हुई है, हम इन चीज़ों को पढ़े, जब घरों में पढ़ेंगे, मुजाकरे होंगे, तो सुन्नतें जिंदगी में आएगी। जब सुन्नतें आएगी, नबी से मोहब्बत आएगी, और जब नबी से मोहब्बत आएगी, जब अल्लाह से मोहब्बत आएगी, तो मेरी बहनों मौत के वक्त कलमा नसीब होगा, कब्र में आराम से सोएंगे, हशर में अर्श के नीचे साया नसीब होगा, अल्लाह के नबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब होगा, अल्लाह ताला हमें जन्नत में दाखिल करेगा। इसलिए मेरी बहनों, वक्त बहुत हो गया, बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि हम नमाजों का एहतमाम करें, अपनी आंखों की हिफाजत, अपने कानों की हिफाजत, अपनी औलाद की सही तरबियत करें। आज हमारे बच्चे मोबाइल लेके घूम रहे हैं, मोबाइल में गाने सुन रहे हैं, मोबाइल में सीरियल ड्रामे देख रहे हैं, मोबाइल में गंदी गंदी फोटो देख रहे हैं। न माँ बाप पूछते हैं, न बेटा, न माँ पूछती है, न बाप पूछता है। ये जिम्मेदारी किसकी है? माँ बाप की है।
हमने औलाद के हाथ में मोबाइल तो दे दिया, औलाद मोबाइल में गेम खेल रही है, ऐसे गेम जिसमें सट्टे होते हैं, सट्टे वाले गेम खेलती है, ऐसी ऐसी चीजें देखती है मेरी बहनों कि हम सुन नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते। ये सारी बुराइयां क्यों है कि माँ बाप ने औलाद को आजाद कर दिया। औलाद आजाद नहीं है मेरी बहनों। तुमसे कयामत में औलाद के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ी, माँ बाप से पूछा जाएगा। तुम्हारा बच्चा मोबाइल में गलत देख रहा है, माँ बाप से पूछा जाएगा। अपनी औलाद से मोहब्बत भी हो, अपनी औलाद से प्यार भी हो, अपनी औलाद से सख्ती भी हो, दोनों चीजें हो। अच्छा काम करे, प्यार मोहब्बत के साथ उसका हौसला अफजाई हो। अगर बुरा काम कर रही है, नमाज नहीं पढ़ती, 24 घंटे मोबाइल के पीछे लगा हुआ है, स्कूल मदरसे का काम नहीं कर रहा है, तो मेरी बहनों हमें बच्चों को डांटना चाहिए और जरूरत पड़े तो मारना भी चाहिए, मारना चाहिए। इससे हमारी औलाद नेक बनेगी, हमारे कब्र में जाने के बाद यही औलाद हमें कुरान पढ़ के सवाब बख्शेगी, ये औलाद हमारी कब्र पे आके फातिहा पढ़ेगी, ये औलाद हमारी कब्र पे आके कुरान पढ़ेगी, ये औलाद हमारे लिए सदके जारिया बनेगी। लेकिन शर्त है कि हमने औलाद की सही तरबियत की होगी। इसलिए मेरी बहनों, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह ने हमको मुसलमान बनाया है, हमारी जिम्मेदारी है हम अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह के नबी को राज़ी करें, अल्लाह को नाराज़ करने वाला कोई काम न करे। वक्त पे नमाज को पढ़ना, कुरान की तिलावत करना, सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह, सुबह शाम 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह पढ़े 100 मरतबा, सुबह शाम तीसरा कलमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, एक तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़े और एक तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़े। मेरी बहनों, दुरूद शरीफ खूब पढ़ा करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दुरूद शरीफ हमें याद है, नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिम पढ़े, छोटा दुरूद हो बड़ा दुरूद हो, जौन सा दुरूद हमें याद है मेरी बहनों, चलते फिरते उठते बैठते हमारी जुबान पर नबी का नाम हो, हमारी जुबान पर अल्लाह का नाम हो, इससे क्या होगा, हम गुनाहों से बचे रहेंगे, हम गुनाहों से बचे रहेंगे, हमारे आमाल नामे में कोई गुनाह नहीं लिखा जाएगा, अल्लाह हमसे राजी होगा, अल्लाह के नबी हमसे राजी होंगे, तो मौत के बाद हमें जन्नत मिलेगी, कब्र में हम मिट्टी नींद सोएंगे और मौत के वक्त हमें कलमा नसीब होगा। अल्लाह ताला इन बातों पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।